इवाने औकाफ लाहौर में इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस के शुरका पहले अपनी नींद पूरी करते रहे और बाद में जब बेदार हुए तो होश ही खो बैठे। मौलाना अहमद अली कसूरी ने कॉन्फ्रेंस में बैठे उल्मा को परवेज मुशर्रफ के कबूतर कहकर पुकारा तो मौलाना ताहिर अशफी समेत मुतादिद उल्मा ने इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। झगड़ा जब काबू से बाहर होता दिखाई दिया तो कॉन्फ्रेंस में मौजूद वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हालात को काबू करने की कोशिश करते रहे। और उल्मा को इत्तेहाद कायम रखने और बर्दाश्त पर दर्स देना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मसालिक की वाबस्तगी से हटकर यानी एक खुले जहन के साथ खुले दिल के साथ ऐसी तजावीजें जिससे के मुल्क और कौम को फायदा हो सके। कॉन्फ्रेंस के शुरका में बार बार मुख्तलिफ तजावीज पर इख्तलाफ राय होता रहा लेकिन आखिर में वफाकी वजीर ने 14 नकाती मुश्तरका इलामिया जारी करते हुए उल्मा पर जोर दिया कि वो मुल्क में अमन और इत्तेहाद की खातिर अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन इकबाल खान के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।